गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राजव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो भारतीय राजव्यवस्था में हम पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हम भाग 5 और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम क्लास है वो अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम भाग 6 में बता चुका हूँ आपको संविधान के अंदर वर्तमान समय में सारे भाग वो मैंने आपको बताए थे। तो आज हम भाग 6 राज्यपाल गवर्नर के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 6 ये संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में भाग 6 है, और भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। क्या है? राज्य सरकार। भारत के जितने ही वर्तमान समय में 28 राज्य है वर्तमान में, और 2 विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी की भी है। तो भाग 6 में राज्य सरकार है। अब हम आज वो भाग 6 में पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो भाग 6 में अनुच्छेद जो 152 है, भाग 6 की शुरुआत अनुच्छेद 152 से होती है, और अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है लिखा हुआ है। अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 152 में भी राज्य की परिभाषा है कि राज्य है वो होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है, और जो अनुच्छेद 152 में कानून है वो भारत के सभी राज्यों पर क्या होंगे, लागू होंगे। इस बात का ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 में जो भी कानून है वो भारत के जितने भी राज्य हैं उन पर क्या होंगे, एक समान रूप से लागू होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, और जो अनुच्छेद 152 में कानून है वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे। ये बात अब लिख दी गई है, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर थे, परंतु 5 अगस्त या 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बनाने के बाद में, और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद में सभी क्या है, समान रूप से, इस बात का ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य, इस बात का ध्यान रखना, और 8 संघ शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर की जगह 2 राज्य बना दिए, 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, तो ये क्या हो गए थे, 9 हो गए थे, और राज्य कितने हो गए थे, 28 हो गए थे। परंतु 26 जनवरी 2020 को, कब है 2020 को, दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों संघ शासित प्रदेश का क्या कर दिया है, विलय कर दिया है। तो इसके बाद में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, ये बात काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 153 है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1956 में, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और इसमें व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। पहले अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु जो 7वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, इसमें ये व्यवस्था की गई, कब किया गया, 1956 में, और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, और ये व्यवस्था कब की गई थी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस, राजस्थान उपनिरीक्षक परीक्षा में, SI में, कि एक से अनुच्छेद 153 में एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, इस व्यवस्था को संशोधित कब किया गया, या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल की व्यवस्था है, इसको कब व्यवस्था की गई, तो कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन, और कब किया गया, 1956 में, ये 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ध्यान रखना इस बात का। अनुच्छेद 154 है, इसमें
राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होगी? राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां है किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, और सातवां संविधान संशोधन 1956 में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 154 में जिस प्रकार से हमने वहां पर कौन सा पढ़ा था, अनुच्छेद 73 पढ़ा था, तो अनुच्छेद 154 में कार्यपाल एक राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? राज्यपाल में। अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 154, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक व नाम मात्र का प्रधान, संवैधानिक चाहे संवैधानिक कह दो चाहे नाम मात्र का कह दो, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। संवैधानिक, क्योंकि अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? राज्यपाल में। तो संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान कौन हो गया? राज्यपाल हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। और वास्तविक प्रधान या वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 154 की बात का ध्यान रखना, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 155 में नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति। और आ जाए राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो यह क्या हो जाएगा? ज्यादा सही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अनुच्छेद ये ध्यान रखना है, जिसको राज्यपाल बनाया जाएगा वो जिस राज्य का राज्यपाल बनता है उस राज्य का वो क्या नहीं होगा? नागरिक नहीं होगा। तो संबंधित राज्य का क्या नहीं होगा? नागरिक नहीं होगा। जिस प्रकार से राजस्थान का अगर राज्यपाल बनाया जाता है तो वो राजस्थान का नागरिक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 156 है, इसमें कार्यकाल है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल या गवर्नर का क्या है? कार्यकाल है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इस बात का ध्यान रखना है, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति के राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर कार्य करता है, इस बात का ध्यान रखना है। राज्यपाल है, इसका कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रपति का जब तक इच्छा है तब तक वो राज्यपाल के पद पर क्या करेगा? कार्य करेगा। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर कार्य करता है। सामान्यतः ये पद ग्रहण करने की दिनांक से 5 वर्ष तक पद पर कार्य कर सकता है, परंतु सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है पद ग्रहण करने की तारीख से। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, सामान्यतः कितना वर्ष होता है? जिस दिनांक को इनने पद ग्रहण किया या शपथ ग्रहण किए उससे लेकर 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक पद पर कार्य कर सकता है, परंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। और सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अगर 5 वर्ष बाद में ही अगर वहाँ पर दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, राज्य नियुक्त नहीं होता है, तो जब तक राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगी तब तक भी वो कार्य कर सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति इसे वापस बुला सकता है,
या दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, और इससे पहले राष्ट्रपति इसे वापस भी बुला सकता है और दूसरे राज्य में इसकी क्या कर सकता है, तबादला स्थानांतरित भी कर सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल कार्य करेगा। वैसे सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष तक कार्य करेगा और जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक ही ये काम कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति इसको वापस बुला ले या कोई दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दे तो भी इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ये बात अनुच्छेद 156 में है, सारी बातों का ध्यान रखना। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है, सामान्यतः ये पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक पद पर कार्य कर सकता है, परंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। इससे पहले राष्ट्रपति इसे वापस बुला सकता है या दूसरे राज्यों में स्थानांतरित भी कर सकता है। राज्यपाल को पदमुक्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। राज्यपाल को पदमुक्त करने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल को पदमुक्त करने का प्रावधान संविधान में है क्या, तो राज्यपाल को पदमुक्त करने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं है, बस यही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद पर क्या करेगा, कार्य करेगा, परंतु संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे राज्यपाल को क्या किया जाए, पदमुक्त किया जाए। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की क्या है, राज्यपाल पद की योग्यता है कि भाई राज्यपाल है बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यता है, पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी है 35 वर्ष आयु, मतलब 35 वर्ष की आयु है होनी चाहिए, ये क्या है, योग्यता है। अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 है राज्यपाल पद की शर्तें हैं, राज्यपाल पद की क्या है, शर्तें हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं और राज्यपाल संसद या विधानमंडल के, राज्यपाल पद की शर्तें हैं, राज्यपाल संसदीय विधानमंडल के, संसदीय विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें लिखी हुई है, शर्त यह है कि राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा वो संसदीय विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। यदि सदन के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण करने की तारीख से या तिथि से रिक्त मान लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको राज्यपाल बनाया जाता है वो संसदीय विधानमंडल का सदस्य है और ऐसे व्यक्ति को अगर राज्यपाल बना दिया जाता है तो जिस तारीख को वो शपथ ग्रहण करेगा, शपथ लेगा, उसी दिन से संसदीय विधानमंडल का उसका पद वो क्या माना जाएगा, सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और अन्य कोई वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 से पहले 58 जो 3 है इसकी एक बात है, बता देता हूँ मैं आज आपको। अनुच्छेद 158 3 या क, अनुच्छेद 158 क में लिखा हुआ है एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। अगर ऐसा हो जैसे भाई अनुच्छेद 153 में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वां जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी थी जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो फिर उसको वेतन कैसे दिया जाएगा, वेतन कैसे दिया जाएगा, तो इसका लिखा हुआ है तो एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसे वेतन भत्ते एक के ही मिलेंगे। अगर एक व्यक्ति राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों का है तो उसे वेतन तो क्या मिलेंगे, एक के ही मिलेंगे, वेतन तो क्या मिलेंगे कि पद एक है तो एक के मिलेंगे। इसके भुगतान के अनुपात का विभाजन, इसके भुगतान का जो अनुपात है अगर वो कितने राज्य का है
उसका विभाजन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि भाई ये दो राज्यों का या तीन राज्यों का राज्यपाल है तो इसको वेतन ये राज्य इतना देगा, ये राज्य इतना देगा, ये राज्य इतना देगा। ये बात किस में लिखी है? अनुच्छेद 158 तीन कह में लिखी हुई है। इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान समय में राज्यपाल इसका वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये, राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा 5,00,000 रुपये, उपराष्ट्रपति का 4,00,000 रुपये और राज्यपाल का कितना है? 3,50,000 रुपये। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ, अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल पद की शपथ, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ है कि राज्यपाल है इसको पद की शपथ है वो कौन दिलाएगा? क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल पद की शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 159 में किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। कभी कभी मान लो उस राज्य में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा। इस बात का ध्यान रखना इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ की बात है और शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य का उसे राज्यपाल है बनाया जा रहा है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उसे क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और राज्यपाल है शपथ, राज्यपाल अनुच्छेद शपथ किस बात की लेता है? तो संविधान के। राज्यपाल आ जाए क्वेश्चन की, राज्यपाल किस बात की शपथ लेता है? तो संविधान के परिरक्षण। राज्यपाल है वो शपथ और परिरक्षण संरक्षण, संविधान के परिरक्षण संरक्षण व प्रतिरक्षण इस बात की शपथ लेता है। राज्यपाल की शपथ की बात संविधान के अनुच्छेद 159 में है और उस न्यायालय का जिस राज्य का राजस्थान का अगर राज्यपाल जैसे कलराज मिश्र है तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश कौन? इंद्रजीत मानती है। अगर वो नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। और ये राज्यपाल है वो शपथ किस बात की लेता है? तो संविधान के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति है, अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति है। आकस्मिक का मतलब है अगर कोई राज्यपाल त्याग पत्र दे दे, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो आकस्मिक परिस्थिति है। इसमें राज्यपाल पद की आकस्मिक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया। किशन पूछ ले कि राज्यपाल की आकस्मिक परिस्थितियों का संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति, इसमें राज्यपाल पद की आकस्मिक परिस्थितियों का उल्लेख है। राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न किसी आकस्मिकता हेतु राष्ट्रपति उपबंद करेगा। कौन करेगा उपबंद? राष्ट्रपति करेगा। अगर किसी राज्यपाल ने त्याग पत्र दे दिया है, मृत्यु हो गई है, ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो इसमें अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। और इस ऐसी स्थिति में उपबंध कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। संविधान का अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार तक किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की सजा कम या माफ कर सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में सजा माफ है उसी प्रकार से राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्या है? सजा कम या माफ कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के किसी भी व्यक्ति की सजा कम या माफ कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल राज्य कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार तक, जहाँ तक राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वहाँ तक वो सजा कम या माफ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। विस्तार तक किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की सजा कम या माफ कर सकता है
संघीय सूची के मामलों के संबंध में किए गए अपराधों की सजा को माफ नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना, अगर संघीय सूची का मामला है, राज्य सूची के मामले में कर सकता है, अगर संघीय सूची का मामला है या समवर्ती सूची का मामला है तो इसमें राज्यपाल है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे सैन्य न्यायालय द्वारा अगर किसी को सैन्य न्यायालय ने दंड दे दिया है तो इसमें राज्य का राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस बात की सजा माफ की है। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 है, इसमें राज्यपाल की शक्ति की विस्तार की बात है। राज्यपाल की शक्ति की अनुच्छेद 161 में सजा माफ की बात करता है, तो अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल की शक्ति का विस्तार है, राज्यपाल की शक्तियां कहां तक होगी, तो यही बात 61 वाली बात ही है। राज्यपाल की शक्ति का विस्तार, राज्यपाल की शक्तियां वहां तक होगी जहां तक राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल की शक्तियां उनका विस्तार कहां तक होगा, वहां तक होगा जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है, वहां तक ही राज्यपाल की क्या होगी, शक्तियां होगी। राज्यपाल की शक्तियां वहां तक होगी जहां तक राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्यपाल, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये है समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो आज की हम इस क्लास में राज्यपाल और हमारा जो संविधान का भाग 6 इसके बारे में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।